Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, Assalamu Alaikum. Today we are going to start another subsection of advanced math, which is limits. Limits ka jo subsection hai, isme hum dekhenge ki iski physical significance kya hai ya iski hame zarurat kyun padti hai, theek hai? Jab hum kisi bhi function ko evaluate karte hain to hame limits ki kyun zarurat padti hai functions ko ke andar isko introduce karane ki. उसके बाद हम देखेंगे कि लिमिट्स का कॉन्सेप्चुअली क्या मतलब है, ठीक है, और इसकी मैथमेटिक्स में कहां-कहां पे एप्लीकेशन है, और साथ साथ कुछ इसमें फार्मूलास हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज का सबसेक्शन, लिमिट्स इंट्रोडक्शन. सबसे पहले हम देखेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स टू पॉन्डर, और एंड पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे. So, सबसे पहले आपकी लिमिट है, a function f of x has the limit l as x approaches to a. ये एक फंक्शन है उसकी, for example हमारे पास एक लिमिट है, इसको हम बोलते हैं x approaches to a, ठीक है. For every positive number, there is a positive number delta such that f of x minus l का mod. अगर आप इसको कैलकुलेट करें और ये हमेशा लेस देन आएगा आपके इस नंबर से, ठीक है, ये कुछ कंडीशन है, ये फुलफिल होनी चाहिए. जब भी आप किसी भी फंक्शन की लिमिट को डिफाइन कर रहे हैं तो ये जो कंडीशन, ये फुलफिल होनी चाहिए. कंडीशन ये क्या है कि आप फंक्शन में से अगर ये अपनी लिमिट l, जब आप फंक्शन के ऊपर ये जो लिमिट l है, ये असल में इसको कहा हुआ है f ऑफ x x अप्रोचेस टू a, जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे वो l के इक्वल आ जाएगा. तो अगर आप f ऑफ फंक्शन को एक्स पे वैल्यूट करें, उसमें से ये एल माइनस कर दें, तो वो हमेशा उसका जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन दिस नंबर आएगा, और दिस इज़ अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है. इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए किसी भी फंक्शन को लिमिट को किसी लिमिट पे वैल्यूट करने के लिए. इसको हम लिखते ऐसे हैं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इट्स लिमिट इज एक्स अप्रोचेज टू ए दैट इज इक्वल टू एल, ठीक है, जो ये फंक्शन की लिमिट होती है. तो लिमिट में और फंक्शन की असल वैल्यू में डिफरेंस क्या है? अगर जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हो एफ ऑफ एक्स और हमने एक्स को एक्स अप्रोचेस टू ए, और एक चीज़ ये है कि एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे हम कहें कि एक्स इज इक्वल टू ए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम एक्स के अंदर ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं, एग्जैक्ट ए पे हम उसकी वैल्यू देख रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एग्जैक्ट ए पे वैल्यू नहीं देख रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं अप्रोचेस टू ए, उसके करीब तरीन देख रहे हैं. अब ये जो फंक्शन में ये जो चीज़ है, जो लिमिट्स में हम ये करीब तरीन या उसके अप्रोच ये जो बात करते हैं, इसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? तो इसके लिए अक्सर आपके जो फंक्शंस होते हैं ड्यू टू डिसकंटीन्यूस, तो उनमें डिसकंटीन्यूस इस तरह की होती है कि अगर आप किसी, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक पॉलीनोमियल, उसका ये ग्राफ है, कोई भी हमारे पास फंक्शन है, तो अब अगर हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर इसकी अगर हम वैल्यू देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एक्स इज इक्वल टू टू है फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसके ऊपर अगर हम इसकी वैल्यू देखें, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली इनफिनाइट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, ठीक है. तो अब इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो वैल्यू है एक्स टू के ऊपर, इसकी वैल्यू इवेल्यूएट नहीं कर सकते. तो फिर हम, अगर हमने गैस करना हो या अगर हमने इवेल्यूएट करना हो कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके करीब करीब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो फिर हम सहारा लेते हैं लिमिट्स का. और लिमिट्स का मतलब ये है, यहाँ पर देखें मैंशन है, सम टाइम्स वी कैन नॉट वर्क समथिंग आउट डायरेक्टली, कि जिन चीज़ों के ऊपर हम, जिन चीज़ों के पास हम डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बट वी कैन सी व्हाट इट शुड बी एज वी गेट क्लोज़र एंड क्लोज़र, कि जैसे उस चीज़ के हम करीब जाएंगे तो हमें उसका बिहेवियर का आइडिया हो जाएगा, ठीक है. अगर आप डायरेक्ट किसी चीज़ का नहीं पता लगा सकते तो आप क्या करते हैं, आप उसके बारे में गेस करते हैं, ठीक है, आप उससे करीब तरीन जो है चीज़ों को अप्रोच करते हैं, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डेली लाइफ में एग्ज़ाम्पल है, आप अगर किसी पर्सन को नहीं जानते तो उसके लिए आप क्या करते हैं, दूसरा क्या सोर्स है, जो उसको जानते हैं, जो उसके करीब तरीन है, आप उनसे अपनी उनकी ओपिनियन लेते हैं, ठीक है. तो यू वर्क आउट, तो आप अल्टीमेटली उसकी तरफ आप अप्रोच करते हैं. तो बिल्कुल फंक्शन में भी ऐसे है, ऐसे फंक्शन जिनकी वैल्यू आप किसी एक्स की वैल्यू पर वैल्यूट ना कर सकें, जैसे यहाँ पर एक्स इक्वल टू पर फॉर एग्जाम्पल ये इन्फिनिटी जा रहा है, तो अब यहाँ पर हमें आइडिया नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं एक्स इज इक्वल टू के बिल्कुल करीब करीब, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँगा कि मैं इस